Morning, I am Kushanath of Balmati Public School in Noida. My name is Aditya Kumar, my school name is Ankur now. Today we will tell you about our project, which is flow feeding system for schools. So friend, aap mein class aaj mein bata rahi hai jo project hai flow feeding system usme humne kya kiya. तो बेसिकली हमारे फ्लो क्लीनिंग सिस्टम होगा, उसमें हम एक बेस बनाएंगे, लेकिन ये जो हमारा बेस होगा इसके बीच में हम थोड़ी सी गैप देंगे, जिससे कि जो हमारा वैक्यूम क्लीनर होगा उसको गैप मिल जाए। तो फिर जो हमारे इस वाले पार्ट, इस वाले जो पोर्शन होगा हमारा, हम वहाँ पर बनाएंगे अपना कंट्रोल सेंटर। फिर कंट्रोल सेंटर में हम आर्डिनो लगाएंगे, अल्ट्रासाउंड सेंसर का विद्युत मॉड्यूल लगाएंगे। तो जो यहाँ पर हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगेगा, तो फिर जैसे भी ये कार जब आगे बढ़ेगी, अल्ट्रासोनिक सेंसर उसके आगे कोई और डिटेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर हमारा, जैसे यहाँ पर ये बॉल है, हमारी ये कार है, जैसे हमारी कार आगे जाएगी यहाँ पर ये बॉल डिटेक्ट करेगी। जैसे वो बॉल डिटेक्ट करती है, वो 90 डिग्री पर टर्न करके एक दूसरे पार्ट को फॉलो करेगी। जैसे कि ऐसे करते करते वो पूरे रूम को फील कर देगी। तो फिर हमारा जो बेस होगा उसमें हम 4 DC gear मोटर्स यूज़ करेंगे नॉर्मल कार बनाने के लिए। उसके बाद हमारा एक मेन पार्ट है वैक्यूम क्लीनर का। तो फिर जैसे ही ये कार आगे बढ़ेगी, उसके नीचे जो जो पेपर वेस्ट है, जो वेस्ट आएंगे, उसको वैक्यूम क्लीनर सब कर लेंगे। हमारे वैक्यूम क्लीनर के अंदर हमने वो मोटर यूज़ करी है, क्योंकि उसका RPM बहुत ज़्यादा है, 1000 RPM होता है उनका। तो फिर हमने उसके लिए 2 मोटर यूज़ करी। उसके बाद आता है हमारा स्वीपर पार्ट। हम अपने रोबोट के पीछे स्वीपर लगाएंगे। क्या होता है, जो स्कूल में जो पूछा लगाने के लिए यूज़ करते हैं, हम वो मॉप पीछे लगाएंगे, जिससे कि जब भी यहाँ पर कोई डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको बिल्डर नहीं उठा पाना, वो इसके साथ कैरी हो जाएंगे, जिससे कि उसके साथ चले जाएंगे, जिससे कि हमारे पास 99% परफेक्शन होगा। इसके अलावा हमारा जो बेस होगा वो बहुत ही छोटा होगा, जैसे कि जैसे हमने पास में देखे बहुत बड़े बड़े ह्यूमन पावर इंसान चलाते हैं, हमको ह्यूमन पावर कार चलती है सफाई। उसमें एक तो जो ह्यूमन पावर वेस्ट होती है उनको कम सैलरी भी मिलती है, और जैसे वो इंसान किसी और उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको पैसे कमाने की चक्कर में उसको यहाँ पर सफाई के काम में लगना पड़ता है। तो फिर इसकी वजह से एक तो जो लोग काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, वो इन कामों को छोड़ के जो उनका सपना होगा, उनकी ड्रीम्स होगी, वो उनको परस्यू करेंगे, जिससे कि हमारे कंट्री के इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ेगी। इसके अलावा हमारे स्कूल में जो डस्ट पूरी कचरा होता है, उसको भी ये कार आसानी से उठा लेगी। इस कार का कॉस्ट बहुत ही कम होगा, इस कार का मिनिमम कॉस्ट 2000 to 3000 होगा, लेकिन जब ये बल्ब भी बनेंगे तब ये और कम होगा। थैंक यू, मैं टाइम।